गुड मॉर्निंग नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं अभी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए, आज के क्लास में प्रेजेंट हो जाइए। पिछले क्लासेस में हमने डेज नेम को सीखा है, जाना है, तो आज मैं फिर डेज नेम भी बतलाने जा रही हूँ। आप लोग सामने देखिए ध्यान से और कंप्लीट कीजिए। डेज नेम मैं आपको बतला चुकी थी कि किस तरह से उसको पढ़ना है, और दो दो या तीन तीन डेज नेम एक दिन में कंप्लीट कीजिए। और इस तरह से सेवन डेज होते हैं, देयर आर सेवन डेज इन ए वीक, सप्ताह में सात दिन होते हैं। कोई पूछ सकता है आपसे हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे क्या कहोगे, देयर आर सेवन डेज इन ए वीक, सप्ताह में सात दिन होते हैं। ठीक है, तो चलिए डेज नेम डेज नेम ऑफ द वीक मीन्स सप्ताह के दिनों के नाम। चलिए जाने, पहला दिन है संडे यानी रविवार, एस यू एन डी ए वार, संडे, संडे मीन्स रविवार। नेक्स्ट है मंडे, एम ओ एन डी ए वार, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। नेक्स्ट है वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। नेक्स्ट है फ्राइडे, एफ आर आर डी ए वार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। अब है सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वार, सैटरडे मीन्स शनिवार। पहला संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, संडे मीन्स रविवार। नेक्स्ट है मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। मैं आप लोगों को इससे पहले बतला चुकी हूँ पिछले क्लास में कि किस तरह से याद करना है। कोई भी बड़ा वर्ड हो उसको याद करने के लिए उसको दो पार्ट या तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से प्रोनाउंसिएशन पार्ट वाइज करके याद करेंगे। देखते हैं कैसे, जैसे कि सन डे, सन एक साथ और डे, एक बार डे लगा है याद कर लेना है और हर नाम में डे लगा है। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट में सन डे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, संडे मीन्स रविवार, एस यू एन डी ए वाई, संडे मीन्स रविवार। नेक्स्ट है मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। देखिए एम ओ एन डी ए वाई, मंडे मीन्स सोमवार, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे मीन्स सोमवार। नेक्स्ट है ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। या एक बार ऐसे भी पढ़े, टी यू ई एस डी ए
नेक्स्ट है वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे नेक्स्ट बुधवार, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे नेक्स्ट बुधवार, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे नेक्स्ट बुधवार। नेक्स्ट है थर्सडे, टी एच यू ऐसे पढ़ेंगे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे नेक्स्ट गुरुवार, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे नेक्स्ट गुरुवार, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे नेक्स्ट गुरुवार। नेक्स्ट है फ्राइडे, एफ आर आर डी ए वाई, फ्राइडे नेक्स्ट शुक्रवार, एफ आर आर डी ए वाई, फ्राइडे नेक्स्ट शुक्रवार। सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे नेक्स्ट शनिवार, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे नेक्स्ट शनिवार, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे नेक्स्ट शनिवार। फिर से देखिए, संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे नेक्स्ट शनिवार। आप लोग मेरे साथ बोलिए, साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है? देखिए, एस यू एन डी ए वाई, संडे नेक्स्ट शनिवार, एस यू एन डी ए वाई, संडे नेक्स्ट शनिवार, एस यू एन डी ए वाई, संडे नेक्स्ट शनिवार। नेक्स्ट है मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे नेक्स्ट सोमवार, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे नेक्स्ट सोमवार, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे नेक्स्ट सोमवार। नेक्स्ट है ट्यूसडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे मंगलवार। अगला वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे बुधवार, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे बुधवार, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे बुधवार। थर्सडे, टी एच यू आर एस डी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे गुरुवार, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे गुरुवार। नेक्स्ट है फ्राइडे, एफ आर आर डी ए वाई, फ्राइडे में शुक्रवार, एफ आर आर डी ए वाई, फ्राइडे में शुक्रवार, एफ आर आर डी ए वाई, फ्राइडे में शुक्रवार। नेक्स्ट है सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे में शनिवार, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे में शनिवार, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे में शनिवार। इस तरह से हमने डेज नेम को आज फिर से देखा, जाना और पढ़ने का तरीका भी सीखा, ठीक है? कि हम कैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बताई हूँ, अभी आप इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे, याद करने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी, ठीक है? आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये डेज नेम फर्स्ट डे दो या तीन डेज नेम को कंप्लीट कीजिए, फिर अगले दिन अगले दो या तीन को, फिर नेक्स्ट डे अगले दो तीन को, इस तरह से सेवन डेज है, आप टू या थ्री, टू और थ्री डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने इसको सीखा है, जाना है, आप इसका कोशिश करें, ठीक है? याद करने का कोशिश करें, लिखने का, और जो याद हो जाए उसको लिखने की भी कोशिश कीजिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है? सिर्फ बोल लेने से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है, उसको लिखना भी आना चाहिए, हमें लिखने का तरीका कि किस चीज़ को कैसे लिखते हैं ये भी सीखना है, ठीक है? ज़रूरी है। तो किसी भी सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है उसको लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिखना होगा, कहीं भी आप जो चीज़ जानते हैं उसको आपको लिखकर एक्सप्लेन करना है, लिखना ज़रूरी है, तो लिखने की कोशिश कीजिए सभी सब्जेक्ट में, ठीक है? मैथ्स हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो।
तो आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे और उसको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। वो तो फर्स्ट डे आपने संडे मंडे याद किया है, आज ट्यूजडे वेडनेसडे कंप्लीट कर लेंगे, और एक पेज भी आप हाफ में संडे और मंडे, और नेक्स्ट हाफ पेज में ट्यूजडे और वेडनेसडे, इस तरह से आप पूरे में लिखेंगे, 5-10 बार लिखेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा याद करने के बाद, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।